पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू वड़ा, जिसके लिए मैंने 5 आलू लिए मीडियम साइज के, थोड़े से मटर और 3 प्याज लिए जिनको मैंने बारीक काट लिया है, 1 कटोरी बेसन लिया है और ऑयल चाहिए हमें थोड़ा सा, अजवैन और जीरा लिया है मैंने तड़के के लिए, देगी मिर्च ली है 1/4 चम्मच, चाट मसाला आधा चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, धनिया पाउडर आधा चम्मच, नमक स्वाद के अनुसार, काली मिर्च 1/4 चम्मच। सबसे पहले हम बेसन का घोल बनाएंगे, इसके अंदर थोड़ी सी अजवैन और जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी लाल मिर्च डाल देंगे और थोड़ा नमक, नमक आप स्वाद के अनुसार रख सकते हैं। इसका पेस्ट बना लेंगे, घोल बना लेंगे सॉफ्ट। एक समूच डो बनाना है हमें घोल, देखिए इस तरह से एक सॉफ्ट घोल बनाना है, ना तो ज्यादा गाढ़ा बनाना है और ना ही पतला। देखिए फ्रेंड्स, हमारा बेसन का घोल जो है वो तैयार हो गया है, हमें इस तरह का घोल रखना है। अब हम इसको अलग कर देंगे और मसाला बनाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने गैस पे पैन रख दिया है, पैन को हम अच्छे से गर्म होने देंगे। फ्रेंड्स, तेल गर्म, तेल डालेंगे हम थोड़ा सा, तेल हमारा गर्म हो चुका है। तेल गर्म हो चुका है, तेल हमारा गर्म हो गया है, गैस का फ्लेम एकदम लो कर देंगे। इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे, आलूओं को थोड़ा मैश कर लेंगे। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे, आप प्याज पहले भी डाल सकते हैं, पहले आप प्याज भून लीजिए फिर मटर डाल दीजिए। प्याज को हमें थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ज्यादा नहीं करना, गैस का फ्लेम मीडियम कर लेंगे और इसको सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। मटर भी पक जाएगा, थोड़ा प्याज भी पक जाएगा, आप इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ इसलिए मैंने हरी मिर्च नहीं डाली है, आप हरी मिर्च, हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसके अंदर। प्याज को सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज हमारी सॉफ्ट होगी, अब हम सभी मसाले डाल देंगे इसके अंदर, नमक, काली मिर्च, धनिया पाउडर, चाट मसाला सभी डाल देंगे, अच्छे से मिला लेंगे। मसाले को हम चलाते हुए 1 मिनट तक पकाएंगे। देखिए मसाला हमारा पक गया है, अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे जो हमने मैश किए थे। गैस का फ्लेम हम एकदम लो कर देंगे और आलू को हम अच्छे से इसके लिए मैश कर देंगे।
आप इसके अंदर हरा धनिया भी डाल सकते हैं। गर्मियों में हरा धनिया आता है इसलिए मैंने हरा धनिया नहीं डाला है, आप हरा धनिया भी डाल सकते हैं इसके अंदर। देखिए ये मसाला अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो गया है। आप मसाले को चख के देख लीजिए इसमें कोई कमी तो नहीं है, अगर कमी है नमक की मिर्च की आप और डाल सकते हैं इसके अंदर अपने टेस्ट के हिसाब से। देखिए हमारा मसाला तैयार हो गया है, अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए प्लेट में निकालेंगे। हम इसी मसाले वाली प्लेट में इसको निकाल लेंगे अच्छे से और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमारे आलू जो हैं ठंडे हो चुके हैं, अब हम बड़े बनाएंगे इसके गोल गोल। देखिए इस तरह से इसके बड़े बनाएंगे हम, एकदम गोल गोल बनाने हैं हमें। देखिए इस तरह से हमें गोल गोल बड़े बनाने हैं, सभी बड़े हमें देखिए इस तरह से बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब तेल मैंने गरम करना रख दिया है, मैं बेसन को हम इस तरह से घोल लेंगे अच्छे से और इसके अंदर ये वड़ा डालेंगे और इस वड़े को अच्छे से लपेट के इस तरह से हम कढ़ाई के अंदर डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, इस तरह से डालेंगे। गैस का फ्लेम हमें कम कर देना है एकदम। देखिए इस तरह से हमें सभी बड़े तलने हैं, उनको हल्का ब्राउन करने तक हमें तलना है। जितने बड़े आपकी कढ़ाई में आ जाए उतना बड़ा आपको तलना है इस तरह से। हल्का ब्राउन होने तक हमें तलना। देखिए फ्रेंड्स हमारे वड़े जो है वो सिक चुके हैं अच्छे से, देखिए एकदम लाल लाल हो गए हैं, देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे, तेल को अच्छे से इस तरह से हम निकाल लेंगे सभी वड़ों को। इसी तरह हम और बड़े तलेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमारे वड़े जो हैं काफी सुंदर लग रहे हैं बने हुए और ये काफी स्वादिष्ट बने हैं। आप एक बार घर में जरूर ट्राई कीजिए, अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, धन्यवाद।